hello everyone welcome to olive boot and welcome to a very new session so in this session we are going to discuss कंप्यूटर अवेयरनेस एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेशन फोर्थ इसके ऑलरेडी थ्री सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं सो so, प्लेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूँगी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं बाकी ये तीनों सेशनस को क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और मैंने वही चीज़ें कवर की हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रिलिवेंट कंटेंट है ठीक है तो इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि एम सी क्यू सेशन भी लेकर के आऊँ और आप चाहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस लेकर के आऊँ लेट मीन इन द कॉमेंट सेक्शन तो इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद मैं वो भी स्टार्ट करूँगी एंड अपने रिव्यूज़ ज़रूर देते रहा करिए कमेंट सेक्शन में जैसे कि आप देते हैं तो मुझे देख के अच्छा लगता है एंड मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आपके लिए अच्छे सेशन्स कराने के, के लिए प्लस मुझे भी पता लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट जो भी मैं आपको दे रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं ठीक है सो गिव यू रिव्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल इट टू सब्सक्राइब इट एंड हेट द बेल आइकन सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग तो सिस्टम के बारे में फंक्शंस टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रिंटर से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसी प्रिंटर का फंक्शन एंड आपके क्वेश्चंस उससे बना दिए जाते हैं कि ये कौन सा प्रिंटर है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंटर से ही जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका सो प्रिंटर तो आप सभी जानते हैं कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है टेक्स्ट या फिर इमेज के फॉर्मेट में पेपर पे ठीक है तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की नीड नहीं है सो so, प्रिंटर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स अब सबसे पहले जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं सो so, वो प्रिंटर्स जो कि आपके आ, करेक्टर्स जो भी होते हैं उन्हें रिबन पे स्ट्राइक करके आपके पेपर पे आते हैं यानी कि आज के टाइम में तो हम लोग जो यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर उसमें तुरंत ही आपका पेपर निकल आता है बट पहले के टाइम पे जो पेपर्स यूज हो सॉरी प्रिंटर्स यूज़ होते थे वो होते थे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिनमें क्या होता था कि रिबन लगा होता था और एक एक करेक्टर आपका जो है वो स्ट्राइक करता था रिबन से एंड वो एक एक करके निकलता था थोड़ी कट कट करके आवाज़ आती थी एंड वो करेक्टर बाय करेक्टर निकलता था तो वो होते थे इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर तो अभी मैंने आपको बताया और फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी बताऊंगी तो उसमें मैं मेजर डिफरेंस बताऊँगी कि क्या होता है और उसी से ही क्वेश्चन बन जाता है ठीक है सो इतना जान लीजिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका रिबन यूज़ होता है जिसमें स्ट्राइक करके आपके करेक्टर्स प्रिंट होते हैं आपके पेपर पर ठीक है अब इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स कौन कौन से सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है आपसे पूछ लेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से टाइप का प्रिंटर है तो आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे बट आ, क्योंकि आप जानते हैं तो आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होगा इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स लाइन प्रिंटर्स डेजी व्हील प्रिंटर ड्रम प्रिंटर चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर ये हैं आपके एग्जांपल तो ये तो हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए अब कुछ ऐसे प्रिंटर्स हैं जिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर ये हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर्स के टाइप सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वो होते हैं जो कि आपका करेक्टर है उसमें क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स के फॉर्म में निकलता है मतलब डॉट से जुड़ जुड़ के आपके पर्टिकुलर करेक्टर जैसे कि ए अगर अल्फ़ाबेट है तो डॉट से जुड़ जुड़ के वो बनेगा ठीक है तो डॉट कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट से आपके जो भी निकलते हैं वो, वो वो जिस फॉर्म में करेक्टर्स निकलते हैं वो किससे निकलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सो so नाम से ही आप जान सकते हैं ठीक है तो मैट्रिक्स ऑफ पिन होती है आपके प्रिंटर के हेड पे ठीक है सो so, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है एंड इसमें नाइन टू ट्वेंटी फोर पिन होती हैं सो so आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं नंबर ऑफ पिन तो याद रखिएगा नाइन टू ट्वेंटी फोर पिन पिनस होती हैं कहाँ पे प्रिंटर के हेड पे ठीक है दे दे स्पीड इज मेजर्ड इन सी पी एस करेक्ट पर सेकेंड सो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रिंटर की जो डॉटमेट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है वो किस फॉर्म में आ, किस आ, उसमें मेज़र की जाती है तो वो है करेक्टर्स पर सेकेंड में ठीक है द नेक्स्ट इज़ लाइन प्रिंटर सो लाइन प्रिंटर क्या होता है कि इसमें एक लाइन एक टाइम में निकलती है पहले लाइन प्रिंट होगी फिर नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगी फिर थर्ड लाइन प्रिंट होगी मतलब एक ही बार में आपका पूरा नहीं निकलता है लाइन वाइज लाइन आपके प्रिंट होती है ठीक है तो ये होती है लाइन प्रिंटर एंड इसे हम बार प्रिंटर भी कहते हैं नेक्स्ट आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था रिबन का यूज़ होता था एंड इसमें यहाँ पे क्या होता है किसी भी तरह के रिबन का यूज़ नहीं होता प्रिंटर में आपका पेपर जाएगा एंड वो एक ही बार में आपका प्रिंट होकर के निकल आएगा प्रिंट अ कम्प्लीट पेज एट अ टाइम मतलब एक बार में ही आपका पूरा पेज प्रिंट हो जाएगा सो इन्हें पेज प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा पेज एक बार में प्रिंट कर देते हैं एंड इसके कौन कौन से एंड यही है जो मोस्टली हम लोग ऑफिसज़ वगैरह में यूज़ करते हैं ठीक है अब कौन कौन से एग्जाम्पल है लेज़र प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर एंड इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं सो लेज़र प्रिंटर कौन कौन से होते हैं और लेज़र प्रिंटर जो है वो आपके बहुत पॉपुलर है यानी कि जो यूजुअली हम अपने ऑफिसज़ वगैरह में यूज़ करते हैं बैंक्स वगैरह में यूज़ होते हैं वो लेज़र प्रिंटर ही यूज़ होते हैं एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पे वो है कि लेज़र प्रिंटर में यूज़ होने वाली इंक ड्राई होती है एंड ये आपको हाई क्वालिटी आउटपुट देती है सो so, और जो रेजोल्यूशन है यानी कि जैसे कि हम आ, उसमें करेक्ट स्पीड का बता रहे थे कि कितने मतलब कितने सेकंड में कितना करेक्टर्स प्रिंट करती है तो वो करेक्टर पर सेकंड होता है एंड ये कितने डॉट्स प्रिंट करती है एक बार में यानी कि इनका जो रेजोल्यूशन है वो किस में मेजर किया जाता है कि कितना ज़्यादा क्लियर है ठीक है वो किस में मेजर किया जाएगा डॉट्स पर इंच में ठीक है डी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेज़र प्रिंटर को का रेजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है तो वो है आपका डॉट्स पर इंच उसमें हमने स्पीड मेजर करी एंड इसमें हमारा रेजोल्यूशन मेजर हो रहा है डॉट्स पर इंच के फॉर्म में ठीक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यूज़ की जाने वाली जो इंक होती है वो ड्राई होती है देन इंक जेट प्रिंटर सो इंक जेट प्रिंटर में यूज़ की जाने वाली जो इंक होती है वो वेट होती है एंड ये किस तरह से वर्क करता है कि आपके पेपर पे स्प्रे करा जाएगा पेपर पे स्प्रे होती है इंक और तब आपका प्रिंट होता है ठीक है तो अलग अलग तरीका होता है हर प्रिंटर का करेक्ट जो आपका डॉट मैट्रिक्स था उसमें डॉट्स में प्रिंट होता है एंड लेज़र प्रिंटर में जो है वो ड्राई इंक से प्रिंट होता है एंड इंकजेट प्रिंटर में आपका स्प्रे इंक स्प्रेड इंक से प्रिंट होता है दैट इज़ uh, वेट इंक होती है इसमें ठीक है तो इस चीज़ को याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं इसीलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन पिक आउट किए जाते हैं उनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ ठीक है so, सो ये हमने डिस्कस कर लिया प्रिंटर्स uh, के बारे में देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबसे पहले जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये जो फंक्शंस हैं वो आपको पॉइंट वाइज दे रखे हैं इन्हें डिटेल में पढ़ने की इसलिए नीट नहीं है क्योंकि आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है एंड एग्जाम में इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपको चार से पांच फंक्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है ठीक है तो याद रखिए मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट स्टोरेज मैनेजमेंट सिक्योरिटी जॉब अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस एरर डिटेक्टिंग एड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन Uh, other software and users. ठीक है तो मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी का मैनेजमेंट तो इसी तरह से जो वर्ड्स दे रखे हैं उनसे आप समझ जाओगे कि क्या फंक्शन है तो आपको बस फंक्शन याद रखने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं तो याद रखने की भी रीत नहीं होती आप पढ़ लेंगे तो आपको माइंड में रहेगा कि ये फंक्शन थे एंड अगर आपके सामने चार ऑप्शन उनमें से कोई ऐसा आ जाएगा जो कि उसका फंक्शन नहीं है तो आप ईजिली टिक कर पाएंगे बट उसके लिए जानना जरूरी है तो नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो अगर आपसे पूछा जाएगा कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो आप मेंशन करेंगे कि सिक्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सो दीज आर द सिक्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इनको डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि इसमें से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बस आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि कौन कौन से इनमें से टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो ये हो जाएगा एंड बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको ओवरऑल uh, एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बैचेस में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एक ही टाइम पर वर्क करेंगे एक पर्टिकुलर ही ऑपरेटिंग सिस्टम से तो वो हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है इसी तरह से आपके टाइम शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम रियल टाइम यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम में ही प्रेजेंट टाइम में ही आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं ठीक है सिंगल यूज़र में कि सिर्फ एक सिंगल यूज़र ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड distributed में डिस्ट्रीब्यूटेडली मतलब कि काफ़ी सारे लोग आ, उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं तो इस तरह से इनका आ, मतलब होता है एंड ये इनकी थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट इसीलिए नहीं करती चलती हूँ रेलिवेंट चीज़ें ही डिस्कस करती हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं ठीक है द नेक्स्ट आता है टर्म्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सो फर्स्ट इज़ बूटिंग सो बूटिंग क्या होता है जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं लोडिंग टाइप का होता है ठीक है वो जो लोडिंग होती है उसको हम बूटिंग कहते हैं तो वो क्या होता है कि लोड uh, होते हैं आपके सभी फंक्शंस जो कि एज़ इट इज़ असेंशियल फॉर रनिंग ऑल अदर प्रोग्राम्स तो सभी प्रोग्राम्स को वो एक तरह से वेकअप uh, करती है ताकि सभी प्रोग्राम सही से वर्क करें ठीक है तो वो होती है आपकी लोडिंग भी कह सकते हैं एंड जो आपका मैकेनिकल लैंग्वेज में कहेंगे तो वो हो जाएगा बूटिंग ठीक है नेक्स्ट आता है कोल्ड बूट सो कोल्ड बूट क्या होता है जब भी आपका कंप्यूटर ऑफ होता है ऑफ़ इन सेंस जब आप उसे शट डाउन कर देते हैं उसके बाद जब, जब आप उसे ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कोल्ड बूटिंग अब नेक्स्ट बताऊंगी तो उससे समझिएगा डिफरेंस क्या होता है सो so नेक्स्ट है आपका वॉम बूटिंग सो वाम बूट क्या होता है जब हम उसे पावर से ही ऑफ कर देते हैं सपोज़ प्लग लगा हुआ है एंड उस प्लग को हमने लगाया और उसका स्विच हमने ऑफ कर चुके थे उस स्विच को ऑन करने के बाद हम अपना सी पी यू ऑन करके सॉरी यू पी एस ऑन करके फिर ऑन करते हैं तब इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है वॉम बूट बट कोल्ड बूट में क्या आपका जो पावर है वो ऑन है बट आपने क्या कर यू पी एस से ऑन किया है तब उसे कहा जाता है कोल्ड बूट सो पावर सप्लाई से ऑफ़ होने के बाद बिल्कुल बेसिक से ऑन करने को कहते हैं वॉम बूट एंड कोल्ड बूट क्या होता है जब हमारा सिस्टम ऑफ था और उसे हमने ऑन कर दिया ठीक है द नेक्स्ट इज़ वेयर सो वेयर इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ़्टवेयर ठीक है सबसे पहले तो जान लीजिए जा एक सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर डिवाइस पे होता है इट अलाउज़ द हार्डवेयर टू बी अपडेटेड तो हार्डवेयर को अपडेटेड करने के लिए ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ किया जाता है तो कंटेंट्स और जो भी कंटेंट्स होते हैं हार्डवेयर में वो सेव हो जाते हैं और इसे बंद करने के बाद भी इसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं होता सो आपका पूरा कंटेंट सेव रहेगा ओके नेक्स्ट चीज़ है आपका मिड सॉरी मिडिल फेयर सो मिडिल फेयर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लेयर जो कि आपके एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की लेयर होती है फर्मवेयर क्या था हार्डवेयर पे जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं फर्मवेयर एंड जो भी आपकी लेयर होती है एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इसीलिए इसे मि मिडलवेयर कहा जाता है उसे कहते हैं मिडलवेयर एंड ये एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है इट इनेबल्स कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए कम्युनिकेशन और डेटा मैनेजमेंट का जो एनेबल करता है जिसे उसे कहा जाता है मिडलवेयर तो so, ये हमने डिस्कस कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं कोल्ड बूट वार्म बूट से तो बहुत ही इफिशियटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कुछ भी पर्टिकुलर उनका फंक्शन पूछ लिया और पूछ लिया जाएगा ये कौन सी काइंड ऑफ बूटिंग है तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आपको रिलिवेंट कंटेंट एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे डिटेल में आपको बताया है ताकि आपको ये शिकायत ना रहे कि रेलिवेंट कंटेंट नहीं मिल रहा है जितना ट्राई कर रही हूँ रेलिवेंट से रेलिवेंट कंटेंट आपके ले ला रही हूँ और ब्रीफ में ताकि आपका बहुत टाइम वेस्ट ना हो छोटे छोटे सेशंस में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करते चलिए आई नो आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम सेशन की जो लेंथ है वो बढ़ा दीजिए देखिए मैं लेंथ बढ़ा दूं आपका टाइम वेस्ट करूं तो क्या फ़ायदा मैं उस पर्टिकुलर टाइम में ही काफ़ी चीज़ें कवर करती चल रही हूं और आने वाले फर्दर टाइम में हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी लाएंगे अगर आप सबकी डिमांड होगी तो और बैंकिंग अवेयरनेस के भी सेशंस लाएंगे इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन ए डिमांड जैसे आप डिमांड करेंगे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं वैसे वैसे सेशन आप सबके लिए लेकर के आऊँगी ठीक है सो ये हमने डिस्कस कर लिया चीज़ें आने वाले फर्दर सेशन्स में हम और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं सो so, इसी तरह सेशन्स के साथ बने रहिए इस सीरीज के साथ बने रहिए। आपको इन सीरीज कंप्लीट होने के बाद कोई शिकायत नहीं होगी कि आपने कुछ छोड़ दिया या कुछ भी आपका रह गया है तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा अगर ये सेशन यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट आइकन थैंक यू सो मच